दोस्तों आज की वीडियो जिस क्रिकेटर की है वैसे तो उनमें बेशुमार खसूसियात थी, लेकिन अगर समराइज किया जाए तो उन्हें दूसरा का खालिक कहा जाता है। और दूसरी बड़ी खसूसियत उनका स्पिनर होते हुए वनडे में आखिरी ओवर्स करना था। जी हाँ, हमारी आज की वीडियो शकलेन मुश्ताक पर है। शकलेन मुश्ताक 29 दिसंबर 1976 को लाहौर में पैदा हुए। उनके अबू क्लर्क थे, उनके दो बड़े भाई भी हैं जिनमें सत्येन लाहौर की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। शकलेन जब सिर्फ 13 साल के थे तो उन्होंने जरीफ मेमोरियल क्लब की तरफ से क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। शकलेन गवर्नमेंट कॉलेज MAO लाहौर की तरफ से 3 साल खेले और हर साल चैंपियन रहे। शकलेन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट 1994-95 में 17 साल की उम्र में शुरू की और पहले ही सीजन में 52 विकेटें हासिल की। शकलेन का टेस्ट डेब्यू 8 सितंबर 1995 को अरबाब न्याज स्टेडियम पिशावर में श्रीलंका के खिलाफ हुआ। उन्होंने पहले मैच में 4 विकेटें ली और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। शकलेन का वनडे में डेब्यू भी श्रीलंका ही के खिलाफ 29 सितंबर 1995 को गुजरांवाला में हुआ। 1999 में शकलेन का टेस्ट करियर उस वक्त बुलंदियों पर पहुंचा जब पाकिस्तान के दौरे इंडिया में 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में उन्होंने 5-5 खिलाड़ियों और मजमूई तौर पर 20 खिलाड़ियों को आउट किया और तकरीबन हर दफा ही सचिन तेंदुलकर को आउट किया। पहले टेस्ट में जब भारत को जीत के लिए सिर्फ 17 रन दरकार थे तो शकलेन ने तेंदुलकर को आउट करके पाकिस्तान की यकीनी शिकस्त को जीत में तब्दील किया। वनडे में शकलेन 100, 150, 200 और 250 तेज तरीन विकेटें हासिल करने वाले बॉलर भी हैं। शकलेन ने वनडे इंटरनेशनल में 2 हैट्रिक का कारनामा भी अंजाम दिया। 1997 में शकलेन ने 69 वनडे विकेटें ली जो एक रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर भी शकलेन ही हैं जब उन्होंने 1996 में 68 विकेटें हासिल की। शकलेन ने अपना आखिरी टेस्ट मार्च 2004 में इंडिया के खिलाफ और आखिरी वनडे अक्टूबर 2003 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला। शकलेन ने अपने टेस्ट करियर में 49 टेस्ट मैचों में 208 विकेटें 29.83 की एवरेज से हासिल की। शकलेन ने 169 वनडे इंटरनेशनल में 288 विकेटें 21.78 की एवरेज से हासिल की। शकलेन ने जब वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ली तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 27 साल और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी, जो कि एक मुहिमा है कि इतना कामयाब करियर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है, क्योंकि जितना टैलेंट उनमें था वो इजिली 100 टेस्ट और 300 वनडे खेल सकते थे। लेकिन शायद ये हमारी रीत रही है कि बड़े नाम हमेशा खामोशी से अंधेरों में चले जाते हैं, चाहे वो वसीम अकरम हो, वकार यूनस, सईद अनवर हो या शोएब अख्तर या शकलेन मुश्ताक। हमारी नेक तमन्नाएं हमेशा शकलेन मुश्ताक के साथ रहेंगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।